नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी हेडलाइंस में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी गुप्ता। राजधानी लखनऊ के सभी वार्डों की जमीनी हकीकत को पता करने के लिए हमारी द यूपी हेडलाइंस की टीम राजधानी के सभी वार्डों में पहुंचकर जायजा ले रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि यहां जनता किन किन समस्याओं से जूझ रही है। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारे संवाददाता जगदीश कुमार नजरबाग वार्ड पहुंचकर लोगों से बातचीत करी और यहां की जमीनी स्थिति को जानने की कोशिश की। नमस्कार, स्वागत है आपका द यूपी हेडलाइन में। मैं हूं आपके साथ जगदीश कुमार। अपनी मुहिम को लेकर हम आ गए हैं अब नजरबाग वार्ड में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं और वहां के लोगों से पहले उनकी समस्या जान रहे हैं। अगर समस्या होती है वो हमें बताते हैं और उनको हम फिर पार्षद के उनके पार्षद के सामने रखते हैं। और अगर समस्या नहीं होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है। इसका मतलब शासन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को सही से कर रहे हैं, पर लोगों की समस्याओं को उजागर करना, उनको प्रशासन के सामने रखना, उनके सभासद के सामने रखना, ये हमारा कर्तव्य है और इस मुहिम को हम ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं। हम नज़रबाग वार्ड में हैं। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति है जो यहाँ पर रहते हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम है शमीमुद्दीन। शमीमुद्दीन जी, हमें ये बताइए कि इस वार्ड में, इस इलाके में आपके नज़रिए से सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? पानी की। पानी की समस्या किस हद तक बढ़ जाती है? उसमें पहले बोरिंग थी, अब बोरिंग हो गई है ख़राब। सही भी हुई मगर वो भी ख़राब हो गई, तो इधर बहुत परेशानी। अच्छा, पानी के अलावा और कोई समस्या? हाँ, ये है कि अभी सड़क ख़राब हो गई थी तो सभासद से कहा गया, उन्होंने कहा ठीक है बनवा देंगे। कब कहा था आपने सभासद से सड़क बनवाने के लिए? बहुत दिन हो गए, पहले कहा था। देखिए, देश के कर्मचारी जो होते हैं बहुत बहुत मायने रखते हैं हमारे देश में, और फिर वो इस तरीके से जब काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर दिक्कतों का सामना होता है तो उन्हीं लोगों को ही होता है। इनसे हम बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। ये मोहम्मद खालिब। मोहम्मद खालिब जी, हमें बताइए कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि सड़क की दिक्कत थी जो सॉल्व हो गई है, फिर उसके बाद पानी की दिक्कत थी वो भी हल हो गई है। आपके हिसाब से कौन सी दिक्कत है? अब इस समय कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं। आप बहुत मज़े में रह रहे हैं? जी सर, बहुत मज़े में। कोई दिक्कत? अच्छा, आपके सभासद कैसे हैं? सभासद बढ़िया है। बढ़िया है। आपकी दिक्कतों का सुझाव देते हैं वो? हाँ, कोई भी काम होता है तो उनसे बताओ तो फौरन करवाते हैं। फौरन करवा देते हैं, करवाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है। हमें यहाँ पर हर मुद्दे पे, हर व्यक्ति से सभासद को लेकर एक पॉजिटिव रिएक्शन मिल रहा है, एक सकारात्मक रिएक्शन मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की है और यहाँ पर हमें पता चला है कि लोग अपने सभासद से बहुत खुश हैं। यहाँ पर इस एरिया में हमें कुछ व्यक्ति और मिले हैं जो यहाँ के ही रहसु हैं और इनसे जानते हैं कि इनके हिसाब से कौन सी दिक्कत है। आप अपना नाम बताइए पहले। मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान जी, हमें ये बताइए कि यहाँ पे हमें कई दिक्कतों का सामना करने को मिला है। फिलहाल जो यहाँ के लोग हैं वो अपने सभासद से बहुत खुश हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं खुशी की इस बात की जाहिर करी उन्होंने। उनका ये कहना है कि आपकी जो दिक्कतें हैं ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं है। उन्होंने एक साल पहले सभासद को बताया था सड़क बनवाने के लिए, उन्होंने सड़क बनवाई, फिर उन्होंने बताया कि जो पानी की समस्या थी वो भी उन्होंने हल कर दी। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो किस हद तक है? नहीं, पानी का मसला तो हल हो गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम पर जो है वो मसला जो है वो क्या बोलते हैं ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। क्योंकि ये ट्यूबवेल ख़राब हो गया, बोल रहे थे कि जो है चार बार बोरिंग हो चुकी है, यहाँ एक वहाँ वहाँ। तो अब वो हमने पूछा कि भाई क्या बात है, क्यों आप जो हैं इसको हल क्यों नहीं कर रहे, लेकिन 4-4.5 लाख का मसला है, वो आ जाए तो फिर उसको करवाया जाए। तो ये मैटर सामने पानी का है। बाकी ये कि गंदा पानी आ जाता है क्योंकि नल का पानी है, नल के पानी में उतनी सफाई तो होती नहीं है, नहीं तो गंदा पानी आ जाता है हम लोगों के पास। उसके अलावा लाइट की प्रॉब्लम इस साल ज़्यादा हो गई है। इसमें सभासद का कोई नुकसान वो कोई काम नहीं है, इससे तो हुकूमत का काम है। तो लाइट की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है पानी के अलावा। उसके अलावा गंदगी बहुत है, उसमें भी सभासद का कोई रोल नहीं है, हमारा अपना खुद का भी रोल है। उसके अलावा प्रशासन, जैसे हमारे में नाला है, बगल में ही नाला है, भर जाता है, अब बारिश आ रही है घरों में पानी आ जाता है। जितने भी यहाँ मोहल्ले में घर हैं सबसे पूछिए, हमारे घर में खुद ही पानी घुस जाता है। नहीं, आपने इतनी दिक्कतें बताई हैं, एक एक करके सारी दिक्कतें हमें गिनाई हैं जो बहुत ही बड़ी दिक्कतें हैं। लोगों के घर में गंदा पानी जा रहा है तो उनके बच्चों को और उनके जो घर में जो जितने लोग भी रहते हैं उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा मुद्दा ये है कि आपने इन समस्याओं को लेकर कभी सभासद से बात की? नहीं, सभासद से तो बात होती रहती है, लेकिन यह है कि वो कुछ काम होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ पेंडिंग में चला जाता है कि आगे हो जाएगा। अच्छा, सभासद कुछ हद तक काम करते हैं? काम तो देखिए, हमारे सभासद जो हैं, जो इस महल्ले के हैं, जितना अच्छा काम करते हैं, मेरे ख्याल से
और किसी महलों में इतना अच्छा काम होता हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, जो प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, उसमें एक अकेला आदमी क्या कर लेगा। बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हायर अथॉरिटीज़ के हाथ में हैं, जो प्रशासन से जुड़ी हुई हैं, जिसको लेकर सभासद के हाथ थोड़े बन जाते हैं। वो मुद्दे यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, पर इनका ये कहना है कि सभासद के हाथ में जितनी चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से हल कर देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने नज़रबाग वार्ड के लोगों से बात की थी और उनकी ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की थी। वहाँ पे हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं देखने को मिली और लोगों का जो रिएक्शन मिला वो बहुत ही पॉजिटिव मिला। अब हम आ गए यहाँ के जो पार्षद हैं कामराग बेग जी के साथ। हम सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि आपके लोगों ने आपको लेकर बहुत ही प्रशंसनीय बातें हमसे बताई हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप काफ़ी समय से यहाँ पर जीत रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को खासा दिक्कतें नहीं हैं, तो पर कुछ दिक्कतें हैं जो उनको सामना करनी पड़ रही है। जैसे कि उनका ये कहना है कि जब बारिश होती है जी, उसके चलते लोगों के घर तक पानी भर जाता है जी, जी, उस दिक्कत के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, लखनऊ सिस्टमेटिक ढंग से बसा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो सिस्टम से बसते हैं शहर, उसका ड्रेनेज सिस्टम दूसरी तरह का होता है। उसमें सारे पानी की निकासी का पहले प्लान बनता है। ये तो बसता चला गया और बनता चला गया और यही समस्या है। और ये समस्या हमारे यहाँ नहीं है, ये हमारे पैदा होने से पहले की समस्या है। और इसके लिए हमने नाला, अपना जो फूलबाग का नाला मेन नाला है जो कि हैदर कैनाल निकला है, दो तीन वार्ड क्रॉस करता है, उसमें दो तीन चार वार्डों का पानी भी आता है, तो उसको एक डीप ड्रेन यहाँ पर कैंट रोड से एक डलवाई थी हम ही लोगों ने मेहनत करके JNURM के पैसे से, उसमें उसको डाइवर्ट करा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि जिस हैदर कैनाल में वो नाला, हम लोगों के नाले जाके मिलते हैं इस क्षेत्र के, हैदर कैनाल की सफाई एक ज़माने से नहीं हुई होगी। उसका जो मलबा है वही कम से कम 5-6 फीट ऊपर होगा। अगर उसकी पूरी प्रॉपर सफाई कराई जाए युद्ध स्तर पर लग के सीरियसली, तो हो सकता है कि इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। अगर मान लीजिए निजात पूरी तरह से नहीं भी मिलेगी, बारिश बहुत तेज़ होती है तो पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारे पाइपलाइंस वगैरह जो गई हैं वो ये समझ लीजिए कि वो उस जब बारिश होती है तो हैदर कैनाल के फ्लो के नीचे से बहता है, समझ रहे हैं आप। तो लिहाजा उसकी सफाई अगर बिल्कुल, जिसे बोलते हैं लैंग्वेज में नगर निगम की तड़ी झार, वो हो जाए तो एक बहुत बड़े एरिया को इससे राहत मिलेगी जल भराव से। बिल्कुल सही बात कही आपने। जब हम बात करते हैं सफाई की, स्वच्छता की, हम बात करते हैं गंगा की सफाई की, गोमती की सफाई की, पर लखनऊ की एक लाइफ लाइन जो है वो हैदर नाला भी है, जो लखनऊ के अधिकांश हिस्से को कवर करता है और उसकी सफाई नहीं हो पाती, उस पर हम ध्यान नहीं देते, जिसके चलते वो दिन पर दिन और गंदगी बढ़ाता जा रहा है। तो क्या इसी की वजह से जो लोगों की एक और समस्या सामने आई थी कि उनके यहाँ गंदा पानी आ जाता है, वो पानी पीने लायक नहीं होता है? वो पुराने लखनऊ में आपको हर क्षेत्र में ये समस्या मिलेगी। वजह उसकी ये है कि पतली पतली सी गलियां हैं, उसी से में जो सीवर लाइन गई है उसी से आपकी वाटर लाइन गई है, और लोगों में जागरूकता ना होने की वजह से कभी कभी ये होता है कि उन्हीं ने अपना पाइप ठीक कराया वाटर लाइन अपने घर की और वो ऐसे ही छोड़ दिया गया, तो उसे कहीं से उसका कनेक्शन हुआ क्रॉस, तो उससे गंदा पानी पहुंचा सीवर लाइन के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि पाइपलाइन पुरानी है, और पाइपलाइन पुरानी हो चाहे नहीं हो, अगर एक साथ गई हैं सीवर लाइन से गई हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई होने में या पुरानी होने की वजह से, डैमेज होने की वजह से उसमें क्या बोलते हैं सीवर लाइन का पानी चला जाता है, उससे पूरा क्षेत्र में ये गंदा पानी आता है। उसकी समस्या हम लोग ये करते हैं कि सीवर की सफाई ठीक से क्या बोलते होती है, उससे ये फ़ायदा हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अभियान अगर जितने भी चलाए जाते हैं उन्हीं के साथ जागरूकता और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ ये ज़रूरी है कि अभियान को कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कहाँ पर उसको लागू किया जा रहा है, ताकि चीज़ें और अच्छी हो पाए। फिलहाल ये थी नज़रबाग की ज़मीनी हकीकत, जिसको आपने देखा और यहाँ के लोगों की आपने बातों को जाना, यहाँ के पार्षद की बातों को जाना और यहाँ की हकीकत को जाना। फिलहाल ये थी द यूपी हेडलाइन के लिए जगदीश कुमार की रिपोर्ट, कैमरा पर्सन जिशान के साथ। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में वहीं के लोगों के साथ और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे वहां की जमीनी हकीकत आखिर क्या है। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द यूपी हेडलाइंस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल द यूपी हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।